मूविंग फ्रेम क्या होता है? सबसे पहला सवाल, व्हाट इज अ मूविंग फ्रेम? अब हम सभी ने हॉट एयर बलून देखा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल कोई भी मूव कर रहा है. कार इज ऑल्सो मूविंग फ्रेम. कार इज मूविंग इन वन डायमेंशन. लेट्स टेक अ हॉट एयर बलून. Let's attach a chamber with this. Let's say ये हमारा एक hot air balloon है, ये हमारा ground है, और ये जो हॉट एयर बैलून है दैट हैज बीन इग्नाइटेड, और ये एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है. वेलोसिटी इज अननोन, बट एक्सेलरेशन हमें पता है कि ये एक्सेलरेट भी कर रहा है. सिर्फ वेलोसिटी नहीं है इसके पास, एक्सेलरेशन भी है इसके पास. अब मूविंग फ्रेम का कॉन्सेप्ट यहां पे आता है. ये जो हमारा फ्रेम है उसके अंदर हमारे पास एक आदमी है. ये हमारे पास है लेट्स से रामलाल. ठीक है, ये जो हमारा रामलाल है ये इस मूविंग फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है. अब ये जो मूविंग फ्रेम है वो ग्राउंड से ऊपर जा चुकी है. लेट्स से ये एच हाइट ऊपर जा चुकी है. लेट्स से इसे ऊपर जाने में टी टाइम लगा है. लेट्स से इसका वेलोसिटी वी है. लेट्स से इसका एक्सेलरेशन ए है. ये चारों हमने कॉन्स्टेंट्स अज्यूम कर लिए हैं. ये हमने चार वेरिएबल्स अज्यूम कर लिए हैं. मान लेते हैं ऊपर जाने का हाइट h है, मान लेते हैं टाइम t है, मान लेते हैं वेलोसिटी v है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन a है. हमें कुछ गिवन नहीं है, ये बस एक एग्जांपल है. अभी जस्ट हम क्वेश्चन करेंगे. सो ये मूविंग फ्रेम ऊपर जा रहा है, ये ग्राउंड से इतना हाइट ऊपर जा भी चुकी है. अब इसमें हमारा रामलाल बैठा है. रामलाल क्या करता है? ही हैज अ बॉल. उसके पास एक नॉर्मल ये वाली बॉल है. सो रामलाल क्या करता है, वो जब एक हाइट पे पहुंच जाता है ग्राउंड से लेट से 10 meters, जब वो ग्राउंड से 10 meters ऊपर पहुंच जाता है, रामलाल के पास जो बॉल होता है उसे वो ड्रॉप करता है. शायद वो ग्रेविटी चेक कर रहा था. सो अपना जो रामलाल है वो 10 meters हाइट पे जाने के बाद उसके पास जो बॉल होता है उसे वो हवा से नीचे ड्रॉप कर देता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग फ्रेम. हवा से एक बॉल हमने ड्रॉप किया है. ये बॉल कहीं पर रखा हुआ नहीं था कि हमने इसे नीचे थ्रो कर दिया है, ये एक मूविंग फ्रेम में था. माइंड इट, अगर ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, लेट्स से ये हमारे पास एक बिल्डिंग है एंड इधर हमारे पास एक बॉल था, इसे हमने नीचे थ्रो कर दिया, इसके पास कोई वेलोसिटी होगी, दैट डजंट मैटर. बट मूविंग फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्यों डिफरेंट है और क्यों अच्छा है, दैट आई विल जस्ट बी एक्सप्लेनिंग राइट नाउ. रामलाल के पास जो बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो भैया जीरो है. ये बॉल रखा हुआ है उस हॉट एयर बैलून के चेंबर के अंदर, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है. सो इनिशियल वेलोसिटी अपना जीरो है. अब जब 10 meters पे जाने के बाद रामलाल इस बॉल को थ्रो करता है, ये बॉल फाइनली नीचे आती है और फाइनली ग्राउंड पे आ जाती है, दैट इज एट 0 meters. ये 10 meters से फेंका तो वो फाइनली इधर 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 एंड फाइनली वो बॉल ग्राउंड पे आ जाती है. अब मूविंग फ्रेम का कॉन्सेप्ट आता है. इनिशियल वेलोसिटी बॉल के पास तो जीरो है जब वो अंदर है. जब तक वो ड्रॉप नहीं है, जब तक वो रामलाल के हाथ में है, तब तक उस बॉल के पास वेलोसिटी जीरो है. बट जैसे ही रामलाल उस बॉल को ड्रॉप करता है उसके पास एक वेलोसिटी आ जाती है. अब आप कहोगे ग्रेविटी की वजह से, भाई ग्रेविटी उस बॉल को नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रही है तो जरूर किसी फोर्स से कोई वेलोसिटी होगी जिससे वो बॉल नीचे जा रही है ग्रेविटी की वजह से. सही है आपका कॉन्सेप्ट. बट मूविंग फ्रेम में हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पर डिफर करता है.
जब रामलाल इस बॉल को यहां से नीचे फेंका, बॉल के पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्रेम इटसेल्फ। देखना बहुत सुंदर बात है ये, वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द इंस्टेंस ऑफ ड्रॉप, जब तक हाथ में तब तक नहीं, जैसे ही ड्रॉप किया, ड्रॉप के इंस्टेंस पे उस बॉल के पास जो वेलोसिटी है, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्रेम इटसेल्फ, दैट इज इक्वल टू वी। अब वी क्यों? क्योंकि हमने भैया इधर वी अज्यूम किया था कि जो हमारा एयर बेलून है वो वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो इस बॉल को जब वो ड्रॉप करेगा, तो जो बॉल का वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मूविंग फ्रेम इटसेल्फ। क्लियर है? क्लियर है? वंस मोर, रामलाल हॉट एयर बेलून जो कि 10 मीटर हाइट पे, वहां से एक बॉल को ड्रॉप करता है। ओके, जब तक हाथ में है बॉल के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, जैसे ही ड्रॉप करता है बॉल के पास एक वेलोसिटी आ जाती है जिससे वो नीचे जाने लगता है। वो वेलोसिटी क्या है, कहां से आई है? वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू द मूविंग फ्रेम। लेट्स से इस मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, सो ये बॉल जब ड्रॉप होगा दैट विल एग्जैक्टली मूव विद 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। क्लियर है? क्लियर है? अब एक हम बढ़िया सा सवाल लेते हैं जिससे ये मूविंग फ्रेम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में हम जितने कैलकुलेशंस ले पाएंगे हम उतने कैलकुलेशंस लेंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड एट अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास हमारा पहला इंफॉर्मेशन है कि वो 2 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं। सो लेट्स मार्क इट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 5 सेकेंड्स द पर्सन इनसाइड ड्रॉप्स अ पेबल। ये अपना वही रामलाल और ये है पेबल। 5 टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, 5 टाइम टेकन बाय दी पेबल, दैट्स ऑब्वियस, 5 टाइम टेकन बाय दी पेबल टू रीच द ग्राउंड। अब हमारे पास ये दूसरा इंफॉर्मेशन है दैट इज 5 सेकेंड्स। आफ्टर 5 सेकेंड्स मीन्स ये रामलाल 5 सेकेंड्स वेट करता है ऊपर जाने के बाद। सो सबसे पहले हमें हाइट निकालना है, एच मैक्स कितना ऊपर जाता है 5 सेकेंड में, कि हमसे कहा गया है कि स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 5 सेकेंड बाद ये रामलाल ड्रॉप करता है। सो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है 5 सेकेंड बाद ग्राउंड से कितने हाइट पे थी ये एयर बेलून। सो लेट्स फाइंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होगा हमारा? एच होगा। अब अभी तक बॉल ड्रॉप नहीं हुआ है, ये रामलाल के हाथ में 5 सेकेंड्स बाद, आफ्टर 5 सेकेंड्स, एट 5 सेकेंड्स नहीं, आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड के इंस्टेंस पे ये बॉल रामलाल के हाथ पर ही है, तो u इधर हम 0 लेंगे। जो मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी है हम वो u नहीं लेंगे बिकॉज अभी तक ये बॉल ड्रॉप नहीं हुआ है। ड्रॉप होने के बाद वो एप्लीकेबल है कि जो बॉल का स्पीड है दैट विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ द मूविंग फ्रेम, वो ड्रॉप के बाद। अभी 5th सेकेंड के इंस्टेंस पे ये बॉल ड्रॉप नहीं हुआ है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। प्लस, सॉरी ये जी होगा, प्लस हाफ जी। अब इधर जी से काम नहीं चलेगा, वील टेक द वैल्यू ऑफ जी, मैंने शुरू में डिस्कस किया था, वील टेक रफली 10 एंड टी स्क्वायर। टी टी हमें गिवन है आफ्टर 5 सेकेंड्स 25। अब ये हमने एक छोटी सी गलती करी है, ये हमने एक छोटी सी गलती करी है, ये ग्रेविटी नहीं है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ए टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर नहीं, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है।
ये हमारे पास एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये हमारे पास एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जो कि एक 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। इससे ग्रेविटी का कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। सो आई वाज रॉन्ग, ग्रेविटी नहीं, इधर हम ए ही पुट करेंगे और ये हमारे पास गिवन है दैट इज 2। सो 2 and 2 कैंसिल आउट, एच इज इक्वल टू 25 meters। मतलब जब ये एयर बलून 25 meters की हाइट पे पहुंचती है तब ये अपना रामलाल बॉल को ड्रॉप करता है। अब हमें पता है बॉल की जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम। सिंपल सी बात है, हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम। वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस टू यू, चलो यू प्लस ए टी। Velocity of the moving frame will be equal to u plus at, ये वाला equation of motion. So, velocity unknown, हमें find करना है, u, zero, simple सी बात है, अभी तक ball drop नहीं हुआ है, same logic, plus a, 2, time, 5, 10 meter per second, हमारी जो velocity है after 5 seconds, that is, 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर। अब आई होप ये यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यू हमने क्यू जीरो रखा बिकॉज फिफ्थ इंस्टेंट के ड्रॉप पे ये बॉल फिफ्थ सेकेंड के इंस्टेंट पे ये बॉल ड्रॉप नहीं हुई है, आफ्टर 5 सेकेंड। मतलब हम जितने भी कैलकुलेशन करेंगे वो एट 5 सेकेंड करेंगे, बॉल आफ्टर 5 सेकेंड ड्रॉप हुई है, तो एट 5 सेकेंड ये बॉल रामलाल के हाथ में ही है। So, इसके पास जो यू है वो जीरो ही है, इसके पास कोई मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी फिलहाल नहीं है। सो आई होप नाउ दैट्स क्लियर। अब हमारे पास एच आ गया है 25 meters, हमारे पास वी आ गया है 10 meter per second। अब हम टाइम टेकन बाय पेबल निकाल सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन के बिना इट्स इम्पॉसिबल। We ask to find time taken by the pebble to reach the ground. S is equal to ut plus half at square. Same way equation of motion. अब ये height 25 meters है, मतलब ये air balloon 25 meter की height पे है. So obviously genuine सी बात है, ये ball 25 meters ही नीचे आएगा. ये यहाँ तक हम base तक का height ही लेंगे Hmax के लिए. यहाँ तक. This is H max and that is equal to 25 meters. So, simple सी बात है, कोई logic, कोई concept नहीं। ये air balloon अगर 25 meters के height पे, मतलब रामलाल भी 25 meters के height पे, अगर रामलाल 25 meters के height पे, मतलब वो ball भी 25 meters के height पे, क्योंकि वो रामलाल के हाथ पे है। So, अगर वो ball drop होगी तो वो नीचे भी तो 25 meters ही आएगी ground touch करने के लिए। Simple सी बात है। So we'll take 25 is equal to ut plus half at square. अब हमारे पास u है, u zero नहीं होगा, हमने moving frame की velocity निकाल ली है। So u बराबर v बराबर 10, 10 into t, ये t हमारे पास नहीं है, ये t हमें find करना है, plus half, 10 t plus half, यहां पे जी होगा, ये बॉल है, दिस इज द बॉल, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम मैं इधर बना रहा हूं, ये बॉल है, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, ये हमारे पास जी होगा, दिस विल नॉट बी ए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं। ये हमारे पास जी ही रहेगा एंड पॉजिटिव जी ग्रेविटी के डायरेक्शन में, 1/2 10 टी का स्क्वायर वी डोंट नो। चलो 25 इज इक्वल टू दिस 10 into t 10t प्लस ये 25 प्लस 5t स्क्वायर। अब हम सब में से 5 कॉमन ले सकते हैं, सब 5 के फैक्टर्स हैं, हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 1 5 2 5 5। सो क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, t स्क्वायर माइनस 2t
-5 इज इक्वल टू 0, क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है? टी स्क्वायर हमने इधर लिया, सो ये सब दूसरे साइड शिफ्ट हो गए, सो बोथ आर पॉजिटिव, सो बोथ विल बी नेगेटिव, क्योंकि टी स्क्वायर को हमने एलएचएस में ले लिया, बाकी सबको हमने आरएचएस पे छोड़ दिया। फाइनली हमने जब सॉल्व किया, टी स्क्वायर -2t -5 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 2 तो हम लेंगे, बट दो टर्म्स लाइक 2 एंड 3 और 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई, या किसी भी मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करके जिसे हम ऐड करें तो 2 आए, उसे हम मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 5 आना मुश्किल है। आई नो आप लोग को मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट पता है, दो टर्म्स हम इस मिडिल टर्म को दो टर्म्स में स्प्लिट करते हैं, लेट्स से 3 एंड 1, -3 एंड 1, जिसका सम तो 2 आ जाए, -2 दैट डिपेंड्स, बट अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट आना चाहिए। आई होप यू ऑल नो ऑल दिस, सो इट्स क्लियरली विजिबल हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ऑप्शन नहीं है। नो इश्यूज, वील डायरेक्टली यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और हमें टाइम निकालना है, सो दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव, सो इधर माइनस का कोई सेंस नहीं है। बी हमारा -2 है, बी स्क्वायर 4, ए हमारा टी है, सी हमारा 5 है, 2a हमारा टी है। सो आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू, आई एम जस्ट राइटिंग द फाइनल आंसर, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, इट्स वेरी वेरी इजी। बी है 2 -2 -2 +2 -2. So final answer will be approximately 1.5 seconds. The time taken by the pebble to reach the ground from 25 meters height is 1.5 seconds approx. अब देखो ना 1.45 के आसपास आ रहा है, I have roughly written 1.5 seconds. So I hope you like this video and the concepts are very very clear. अगले वीडियो में हम as usual कुछ short tricks से शुरू करेंगे and हम बहुत अच्छे numericals बनाएंगे based on all this only, not moving frame. We'll shift to different topics like velocity of a particle at midpoint and all that. और अगला वीडियो हमारा इस 1D motion का last video होगा, then we'll shift to projectile motion. So thanks for watching.